हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू यूट्यूब चैनल GKM इंदौर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जैसे कि स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एक न्यू वैकेंसी यानी न्यू अपडेट देने वाला हूं। अपडेट की यदि मैं बात करूं कि अपडेट कौन सी रहने वाली है, तो उन स्टूडेंट के रहने वाली है जिन स्टाफ नर्स यानी वैकेंसीज के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट स्टाफ नर्स वैकेंसीज के लिए वेट कर रहे थे कि सर स्टाफ नर्स की कोई वैकेंसीज आएगी, तो सभी स्टूडेंट के लिए बिग न्यूज़ लेके आया हूँ, यानी गुड न्यूज़ भी लेके आया हूँ, बिग न्यूज़ भी लेके आया हूँ। तो सभी स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल में वीडियो को जो लास्ट तक बने रहे हैं, और जो भी नए स्टूडेंट हैं, सबसे पहले यूट्यूब चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद आप GKM के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाला है। यानी जी इसके आपको बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज नोट्स वगैरह भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा GKM को फॉलो कर सकते हैं इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम, और व्हाट्सअप का जो लिंक है, ग्रुप का लिंक, उसे आप लिंकों में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बताते हैं इस वैकेंसीज के बारे में अपन बात कर लेते हैं। जैसे कि इस वैकेंसी के बारे में आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे फ्रंट पे लिखा हुआ है कार्यालयन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठा शासकीय स्वशासी संस्था महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर। यानी कि मैं बात करूं MGM इंदौर की जो वैकेंसीज निकली हुई है, इसका यदि मैं बात करूं नोटिफिकेशन रिलीज़ कब हुआ है, तो आपको बता देता हूं मैं नोटिफिकेशन रिलीज़ कब हुआ है। यहां पे दिया है, डेट दी गई है 29/9/2021 का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। यहां पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि स्टाफ नर्स की जो वैकेंसीज निकली हुई है, इसकी मैं बात कर लेता हूं। विज्ञापन की जो विस्तृत जानकारी शासकीय जो महाविद्यालय इंदौर की वेबसाइट है www.mgmindor.in पर उपलब्ध है। इच्छुक भर्ती यानी 30 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे वैकेंसीज के लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पे संविदा हेतु आरक्षित महिला स्टाफ नर्स के लिए रिक्त पद कितने रहने वाले, स्टूडेंट 18 रहने वाले हैं। यदि यहाँ पे बात करें अपन, यहाँ पे देखो आवेदक न्यूनतम 5 वर्ष संविदा पर नियुक्त रहा हो। अब यहाँ बात करते हैं कौन कौन सी कैटेगरी के लिए, अनारक्षित कैटेगरी के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज रहने वाली है। बिना वर्ग की यदि मैं बात करूँ अनुसूचित जाति की, और यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के अंदर 2 वैकेंसीज दी गई, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर 2 वैकेंसीज दी गई, आर्थिक रूप से जो कमजोर उसके लिए 5 दी गई है, भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज दी गई है, दिव्यांग के लिए भी दी गई है, जो हैंडीकेप स्टूडेंट है उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज दी गई है। टोटल ऑफ वैकेंसी की मैं बात कर लेता हूँ कि टोटल ऑफ वैकेंसीज कितनी है, टोटल स्टूडेंट इसमें पोस्ट रहने वाली है कितनी, 18 रहने वाली है। इसमें यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात ये दी गई है कि उपरोक्त रिक्तियाँ सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि जो ये फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए ये वैकेंसीज रहने वाली है, मेन कैंडिडेट्स के लिए ये नहीं रहने वाली। तो स्टूडेंट इसमें यहाँ पे सारी चीज़ बता देता हूँ कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10+2 शिक्षा अभ्यर्थी यानी 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। शासकीय BSc नर्सिंग जर्नलिज्म ज्येष्ठ प्रस्तुति यानी कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। यहाँ पे यदि वेतनमान की बात करेगी, स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी रहेगी इसका वेतनमान क्या रहने वाला है, तो इसकी यदि मैं बात करूँ तो इसकी जो सैलरी रहने वाली है 28,700 रुपये इसकी सैलरी रहने वाली है। यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते और अन्य लाभ शासन निम्नानुसार लागू होंगे, नियुक्त कर्मचारी पर नवीन पेंशन योजना आदेश अनुसार प्रभावी होगी। यानी कि जो महंगाई भत्ता है वो भी मिलेगा, और नियुक्त जो कर्मचारी उसके लिए नवीन यदि जो पेंशन योजना आती है उसका भी आदेश अनुसार प्रभावी होगा। तो स्टूडेंट ये जो इन्फॉर्मेशन दी मैंने आपको, इन्फॉर्मेशन दी है जो MGM के ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था, उन नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। उम्मीद करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको, इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस मेहनत को ज़रूर लाइक करें, और आने वाली नेक्स्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।